इस वक्त लाइव 7 की टीम मौजूद है डोमचूर इलाके में, जहां पर अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोग सिर्फ अमित शाह का झलक पाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब जैसे कि आपको तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पे मौजूद हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं वो डोमचूर इलाके की है, जहां से राजीव बैनर्जी बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। जगदीशपुर हाट से ये रोड शो शुरू हुआ है, जो कि कोना मोड़ तक खत्म होगी। फिलहाल कोना मोड़ इसके थोड़े से आगे है और इस वक्त हम मौजूद है उस जगह पे जहां पर अमित शाह एक रिक्शा चालक के घर पर खाना खाने वाले हैं। वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे भी पहले आपको तस्वीरें मैं पीछे दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पूरे मौजूद है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है एक सिर्फ अमित शाह का सिर्फ एक झलक पाने के लिए। उनके साथ अमित शाह के साथ बीजेपी के उम्मीदवार राजीव बैनर्जी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल रोड शो शुरू हो चुका है, जो की आज से शुरू हुआ है। और आप कोना घाट के कोना मोड़ तक ये रोड शो जाएगी और हम आगे की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और ये रोड शो यहाँ पे शुरू हो चुका है, उस तरीके से गाड़ी आ रही है और ये और अगर मैं उस छत की घर की तस्वीर दिखाऊं, दादा एक मिनट चले जाओ, उस घर की तस्वीरें दिखाओ कि घर पे लोग छतों पे खड़े हैं, छत से सिर्फ अमित शाह की एक झलक पाने को इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल वो अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है और इससे पहले वो सिंगूर में रोड शो किए थे, जहाँ पर भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ी थी और अब वो यहाँ पर आ चुके हैं और फिर उसके बाद वो कोना मोड़ तक यहाँ पर रोड शो करेंगे। हम लोग मौजूद है यहाँ पे डोमचूर इलाके में, जो कि जगदीशपुर हाट से ये रोड शो शुरू होगा, कोना मोड़ तक ये रोड शो पहुंचेगा। और उससे भी पहले आपको और एक तस्वीर दिखाते हैं हम यहाँ पर। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि ये तस्वीर थोड़ा दिखाए कि ये घर है, ये घर जहाँ पर अमित शाह
आज दोपहर का खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो घर देख सकते हैं कुछ बड़ा नहीं है, ईंटे का घर बनाया हुआ है और इस ईंटे के घर में अंदर घुसकर ये पतली सी गली है जहाँ पे दो लोग भी जाने को मुश्किल होता है, उस गली में जाके अमित शाह आज दोपहर का भोजन करेंगे। उसके बाद वो वहां से निकलकर कोना मोड़ तक पहुंचेंगे और जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाए थे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो शुरू हो चुके हैं लेकिन दिल्ली से हर एक बीजेपी के बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, कोई वादों का पिटारा खोल रहे हैं, कोई अपने कार्य गिना रहे हैं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, हर एक बयान का वो जवाब दे रही है। फिलहाल यहाँ पे हमें सुरक्षा व्यवस्था इनकार कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे खड़े होने का, लेकिन छोटे से वक्त में आपको और एक बार झलक दिखाती हूँ। और देख सकते हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह है, उनके साथ बीजेपी उम्मीदवार राजीव बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। राजीव बनर्जी की अगर बात करूं तो राजीव बनर्जी ममता बनर्जी सरकार के वन मंत्री थे और हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और टीएमसी के उम्मीदवार की बात करूं तो कल्याणदेव घोष यहां से टीएमसी के प्रत्याशी है और डोमजूर सीट हावड़ा लोकसभा से पड़ती है। तृणमूल के कल्याण बनर्जी यहाँ से सांसद है फिलहाल। और 2016 की अगर बात करें कि 2016 के चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार राजीव बनर्जी को 1,48,000 वोट मिले थे, पर वो उस वक्त टीएमसी में थे और अब वो बीजेपी में है। सवाल यह उठता है कि टीएमसी में थे उनके समर्थकों ने उनको 1,48,000 से ज्यादा वोटों से जिताया, लेकिन अब वो बीजेपी में जब आए हैं तो बीजेपी में आके अब देखना पड़ेगा कि राजीव बनर्जी कितने वोटों से जीते। फिलहाल अमित शाह दावे पूरे कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां से गाड़ियों का कतार आने शुरू हो गई, काफी लोगों का कतारें आने शुरू हो गई। इससे पहले अमित शाह ने सिंगूर में रोड शो किया था, वो तस्वीरें आप दिखाए, दूर से हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद है। सिर्फ गाड़ी का काफिला आना शुरू हो चुका है जो कि कोना मोड़ तक जाएगा। इस तरीके से इस तरफ से गाड़ी सीधे आएगी और अमित शाह यहाँ पर एक रिक्शा चालक जो कि मिडिल क्लास से भी बहुत पुअर क्लास हम लोग बोल सकते हैं, एक रिक्शा चालक के घर में भोजन करना ये आप कह सकते हैं कि एक लुभाने का बात बोल सकते हैं कि लुभाया जा रहा है। लेकिन ये पहली तस्वीर आप नहीं देख रहे कि रिक्शा चालक में वो के घर पे वो वोट कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई जगह पर मध्य भोजन कर चुके हैं और जैसे कि मधुआ समुदाय के घर पे भी किया था। कैमरा मैन से कहूंगी आप इधर आ जाए, थोड़ी तस्वीरें आप इस तरफ आ जाए, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इतने धूप, पश्चिम बंगाल का तापमान पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है और इतने धूप में रहने के बावजूद भी वहां पे छतों में लोग मौजूद है। जी मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल इनकार अभी कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होने से, तो क्योंकि हमको देखना होगा आगे क्या होता है। जी हम लोग तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था जाहिर सी बात है मना करेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षा रखनी पड़ेगी। दादा हमने देखा नहीं जेते पड़ी, हम लोग इनसे पूछ लेते हैं आगे कहाँ हम लोग खड़े सही तरीके से खड़े हो सके बोल सके। पीछे की तस्वीर आपको दिखाई, बहुत संख्या में लोग मौजूद है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद है। आप कहाँ से आए? मैं पाड़ा का आदमी है, मैं पाड़ा में ही रहता हूँ और बीजेपी का समर्थन करता हूँ। हम लोग चाहता है अमित शाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा पीओ आदमी है, हमारा अच्छा होगा भला होगा। हम लोग यहाँ पानी नहीं है, पानी के लिए हम लोग बहुत तकलीफ, पानी हम लोग खरीद के खा रहा है। अगर अमित शाह पानी हम लोगों को राजीव बनर्जी पानी ला देगा तो उसको धन्यवाद है, पानी का बहुत। पहले तो राजीव बनर्जी टीएमसी में थे, आप बीजेपी में आ गए। राजीव बनर्जी को अच्छी तरह से काम करने नहीं देता था, टीएमसी वाला राजीव बनर्जी को काम करने नहीं नहीं देता था, काम करने में उसको रोक देता था। हम लोग यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम, शिल्पो नहीं है, पानी का प्रॉब्लम,
जरूरत है दीदी, हम लोगों को राजीव प्यारी को यहाँ लाके दो। इनका कहना है, बीजेपी समर्थकों का कहना है कि यहाँ इलाके में काफी सारी समस्या है, पानी की भी समस्या उनमें से एक है। तो राजीव बनर्जी एक वो शख्स है, वो बीजेपी उम्मीदवार है जो उनका इस दिक्कतों को वो दूर कर सकते हैं। और महिलाओं की अगर बात करें, इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं ने बहुत तरीके से वहाँ की तस्वीरें दिखाई। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे रखे गए हैं। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरीके से कतारों में धूप में महिला खड़ी हुई है, छाता लेकर खड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल तापमान भी पूरी तरीके से पुरजोर भर रहा है और साथ ही साथ इस कड़ी धूप में खड़ा होना और सब मोबाइल कैमरे लेकर खड़े हुए, सिर्फ एक झलक ताकि वो अमित शाह के पास सके। अमित शाह फिलहाल रोड शो शुरू कर सकते, अभी से कुछ ही देर में ये रोड शो यहाँ पर पहुँच जाएगी। हम लोग इस वक्त डोमजोर विधानसभा क्षेत्र में जो कि हावड़ा जिले में पड़ता है और यहाँ से बीजेपी ने राजीव बनर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजीव बनर्जी ममता बनर्जी की सरकार में वन मंत्री रहे हैं और वन मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने यहां से डोमजूर इलाके से वहां पे उम्मीदवार बनाया है। वो दूर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, रोड शो की झलक दिख रही है। दूर से बीजेपी का झंडा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे समर्थक धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी देख सकते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था भी पुरजोर पूरी तरीके से की हुई है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं हो। और यही वो जगह है जहाँ पर अमित शाह एक रिक्शा चालक खाएंगे, दोपहर का भोजन करेंगे। वो तस्वीरें दिखाते रहिए, आप कैमरा मैन से कहूंगी, वो छतों में लोग खड़े होके उनको देख रहे हैं। भारत माया सड़क चले तो सकती अभी चीज स्वागत और पूरी तरीके से यहाँ पे समर्थक नारे पर नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो राजीव बनर्जी को ही जिताएंगे और यहाँ से राजीव बनर्जी ही जीतेंगे। 2016 की बात करें तो 2016 के चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार राजीव बनर्जी थे, टीएमसी उम्मीदवार थे राजीव बनर्जी को 1,48,000 वोट मिले थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,07,000 वोट से हराया था। बीजेपी के जयंत दास 15,000 मत पाकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। अरे किसी का नीला किसी का पीला किसी का झंडा लाल, इस झंडे को रोक सके तो कौन माइका लाल। वो एक रिक्शा चालक के घर पर खाना खाएंगे। 1900 अगर डोमजूर विधानसभा की बात करते तो 1952 से लेकर अब तक इस सीट पर 16 बार चुनाव हुए और सीपीआई ने 3 बार, कांग्रेस ने 2 बार, सीपीएम ने 9 बार और टीएमसी ने 2 बार इस सीट से जीत हासिल किया और इस बार टीएमसी और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए, बीजेपी ताकि सत्ता में आए उसके लिए दिल्ली से बड़े चेहरे यहां पर पहुंच रहे हैं। अमित शाह बोले, जेपी नड्डा बोले, रवि किशन बोले, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार दीदी को अपना निशाना बना रहे हैं कि दीदी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, दीदी यहाँ पर भाईपो को लाने वाली है, वो भाईपो जो तोलाबाजी पुष्टिकरण में अटके हुए हैं। तो परिवर्तन बीजेपी लाना चाहती है, बंगाल को सोनर बांग्ला बनाना चाहती है। तो ये सब वादे जो दिखाए जा रहे हैं, अगर महिला की बात करूँ तो घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ बीजेपी ने वादे किए हैं। तो उसी उमंग से आज यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं मौजूद है और इस उम्मीद से आई है कि इस बार बीजेपी उनके लिए कुछ करेगी। राजीव बनर्जी जो कि बीजेपी उम्मीदवार है वो उनके लिए कुछ करेंगे। फिलहाल रोड शो यहां तक पहुंच चुका है, अमित शाह का काफिला भी दूर से दिखने लगा है और वो फिलहाल यहां पे रुकेंगे। रुकने के बाद एक रिक्शा चालक के घर पर भोजन करेंगे, उसके बाद रवाना होकर यहाँ से कोना मोड़ तक वो वहां पर जाएंगे। सिर्फ यही एक कार्यक्रम नहीं है अमित जी,
कबीला किसी का झंडा लाल। सिर्फ यही एक कार्यक्रम नहीं है अमित शाह का, और अमित शाह इसके बाद हावड़ा मध्य में आलोक सिनेमा से लेके मलिक फाटक तक भी रोड शो करेंगे। उसके बाद 4:30 बजे बेहाला पूर्व में बेहाला चौरस्ता से अजंता सिनेमा का रोड शो करेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी उनके निशाने पर जाएंगे। भारत माता की। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा वक्त हो